you are just like you are family members of Angel's family. बच्चों से रिलेटेड कुछ बात करनी थी. कुछ एक पेरेंट्स का इशू आ रहा है कि बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, इसलिए क्लासेस थोड़ी लेट कर दी जाए. तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों को एक एनवायरनमेंट ऐसा दीजिए कि उनको लगे कि दे आर सपोज टू बी एक्टिव इन अर्ली इन द मॉर्निंग. कि जैसे आप उनको ये फीलिंग दीजिए कि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, उसके लिए अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, टाइमली दे आर सपोज टू टेक बाथ, दे आर सपोज टू टेक देयर ब्रेकफास्ट. तो उनका रूटीन जो है वो सेटल कीजिए प्लीज़. आपसे फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है. रीज़न क्या है कि बच्चों को एक ना जो एनर्जी लेवल है वो बूस्टअप होता है इससे. और एक टाइमली क्लासेस लगाएंगे. और कुछ नहीं है तो ऐसे ही ऐप पर जैसे टीचर क्लासेस ले रहे हैं तो वो इंटरेक्ट अपने दोस्तों से भी हो जाते हैं. नो डाउट कि वो लोग कॉल्स करके भी बात करते होंगे. बट आप शायद एक लेवल होता है मोबाइल यूज़ करने का भी, उससे हम लोग, आप लोग, सब लोग, बच्चे भी फेडअप हो चुके होंगे इस चीज़ को लेकर. तो ये जो है उनका ये इंटरेस्ट बनाए रखना है स्टडी को लेकर और उनकी एक्टिवनेस को लेकर, कि वो एक्टिव रहें, अर्ली इन द मॉर्निंग उठें, टाइमली उठें, दे टेक बाथ प्रॉपरली, ड्रेसअप हुए अच्छे तरीके से, और उसके बाद कैमरे के साथ अपना ब्रेकफास्ट लें और बिल्कुल हेल्दी मूड में, खुश मूड में जो है वो क्लासरूम में बैठें. तो ये जो है एक एक मदर से ज़्यादा अच्छा कोई ये चीज़ नहीं कर सकता है. मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर टाइमिंग पर उनको बिठाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए. और प्लीज़ लेट क्लासेस के लिए मत कहिएगा. ऐसा नहीं है कि टीचर्स अवेलेबल हैं, दे आर अवेलेबल टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ योर वार्ड ऑफ योर्स 24 आवर्स. बट लेकिन एक क्लास का जो टाइमिंग है ना उसको प्लीज़ उसमें आप कोऑपरेट कीजिए. हाँ, ये कुछ सिबलिंग्स के हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, तो टीचर्स आर शेयरिंग देयर वीडियोज़ ऑल्सो ऑफ टीचिंग वीडियोज़ की. वो लोग जो कंटेंट पढ़ाते हैं लाइव सेशन में वो वीडियोज़ भी शेयर करते हैं. और वो जो है वन डे एक बच्चे को बिठा सकते हैं सेकेंड, और वो जो है वन डे एक बच्चे को बिठा सकते हैं सेकेंड डे दूसरे को बिठाइए. नो डाउट अटेंडेंस आप लोगों के बच्चों की रहेगी. और अटेंडेंस कैसे रहेगी कि जैसे ही क्लास ओवर होती है, टीचर पढ़ा रहा है, उसके बाद जो करने के लिए साथ साथ करा ही रहे हैं टीचर्स, तो विद इन वन आवर जो है वो काम टीचर्स के पास जो है वो उनकी पिक पहुँच जाए और लगे बच्चों को भी, हाँ आई एम सपोज टू रिपोर्ट टू माई टीचर दैट आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क. तो ये अगर नहीं, लेजीनेस जब आ जाती है ना, हमारे खुद का ही है, एक काम हम पेंडिंग छोड़ देते हैं तो व्हाट हैपन्स कि इट रिमेन्स पेंडिंग, क्योंकि मन ही नहीं करता है उस चीज़ को हाथ लगाने के लिए. हम बच्चों को वो आदत क्यों दें. ठीक है, सेकेंड थिंग के एक, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने फ्रेंड्स से दूर हैं, उन लोगों को बाहर खेलने के लिए, ऑफकोर्स आप लोग बहुत समझदार हैं और एक पेरेंट से ज़्यादा समझदार और केयरिंग पेरेंट से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता. तो ये बिल्कुल सही होगा कि आपके बच्चे भी घर पर ही रहते होंगे, लेकिन एक चीज़ है कि वो लोग मिस तो करते हैं खेलना आउटडोर गेम्स को, तो घर के अंदर ही उनके साथ चेस, लूडो, कुछ भी अवेलेबल है, बहुत सी चीज़ें. जब हम छोटे थे तो हम मार्बल्स भी खेला करते थे, बहुत कुछ खेला करते थे. वो छोटी छोटी बजरी उठा के लाते थे, उससे भी हम खेला करते थे. बहुत सी गेम्स ऐसी होती हैं जो खेली जा सकती हैं बच्चों के साथ. कुछ वर्ड्स बनाने की गेम हो सकती है, ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, और राइटिंग में थोड़ी हेल्प कीजिए उनकी, कि सिर्फ चेक रखना है आपको और इंस्ट्रक्ट कर देना है बच्चे को, इन बिटवीन गाइड भी करना पड़े कि वो लोग राइटिंग भी अपनी साथ साथ इम्प्रूव करें, क्योंकि बच्चे फिजिकली दे आर नॉट इन टच विद टीचर्स एट प्रेजेंट. तो इस वजह से आप लोगों को ये थोड़ा सा चेक रखना पड़ेगा. थोड़ा सा सहयोग चाहिए, ज़्यादा नहीं. एक तो बच्चा क्लास टाइम पर लगाए, अपना काम प्रॉपरली टीचर को भेज दे, सेंड कर दे वो कि मेरा हो गया क्लास ओवर. जैसे ही सारी क्लासेस ओवर होती हैं, पीरियड्स ओवर होते हैं, उसके वन आर के बाद तक का आप रख लीजिए, वन नहीं वन पर टू आवर्स तक का रख लीजिए, कि इन बिटवीन आपने वो काम भेजना है, जिससे कि आपके बच्चे को ईगरनेस रहे, आई एम सपोज टू कंप्लीट माई वर्क विद इन टाइम पीरियड. अदरवाइज क्या होगा, बच्चा पिछड़ जाएगा. नहीं पिछड़ने देना है, ना आपने ना हमने मिलकर बच्चे को आगे चलाना है. उसके साथ ही कुछ ऐसी क्रिएटिव गेम्स बच्चों को छोटे छोटे काम में लगा के रखिए कि उनका मन लगा रहे. और वो जो है कुछ उनके, कई बार उनसे बात पूछिए, कुछ बात कीजिए. कभी जैसे लास्ट टू लास्ट सेशन में, लास्ट में अभी भी फरवरी मार्च में, वैसे तो एग्ज़ामिनेशन के लिए बच्चे आए नहीं मिल पाए इतने तरीके से,
पिछला पास्ट का लास्ट सेशन, लास्ट टू लास्ट सेशन का बच्चों से, उनके दोस्तों के बारे में बात कीजिए, उनके क्लासमेट्स के, कि वो क्या शरारत करते थे क्लास में, कैंट रिसेस टाइम में क्या करते थे, गेम्स पीरियड में क्या करते थे, इन बिटवीन, ये भी बातचीत कीजिए। और आप फील करेंगे, जो हम मानते हैं कि बच्चों पर कोई असर नहीं है कि वो लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, वो स्कूल में फिजिकली नहीं जा रहे हैं, वो मस्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उनसे पूछेंगे ना एक बार, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा सभी, वो बड़ी, मतलब उनके चेहरे पर एक चार्म ही अलग होगा जब वो बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कि हम ये करते थे मम्मा, हम पापा ये करते थे, वो करते थे। और जैसे ही वो अपनी बात बताकर ख़त्म करेंगे, उनके चेहरे पर आप एक उदासी देखेंगे। हमें वो उदासी नहीं आने देनी है, हमें घर के अंदर इतना एनवायरनमेंट, उनका इतना अच्छा दोस्त बन जाना है कि वो लोग जो हैं एक डिफरेंस फील करें कि नहीं, फिर भी वी कैन सेटल डाउन इन दिस सिनेरियो ऑल्सो, है ना। क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों का, हम लोग मान के चल देते हैं, लेकिन बच्चे हमसे ज़्यादा, हम लोगों से ज़्यादा अंडर स्ट्रेस हैं। वो मिस करते हैं अपने दोस्तों को, अपने कैंटीन को, अपने क्लासरूम को, अपने स्कूल के ग्राउंड को, अपनी स्कूल बस को, अपनी मस्तियों को, अपनी शरारतों को, और दोस्तों से झगड़ों को, दोस्तों से बातचीत करने को, फंक्शंस को वो बहुत मिस करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर को भी मिस करते हैं। कभी एक बार बात छेड़ के देखिएगा, उसके बाद आप भी फील करेंगे कि हमसे कहीं ज़्यादा अंडर स्ट्रेस हमारे बच्चे हैं। हमें उनकी इस हेल्थ को, अच्छी हेल्थ को बना के रखना है। सहयोग कीजिए क्लास, क्योंकि अगर क्लास वो टाइमली लगाएंगे तो उनकी रूटीन बनती चली जाएगी, जल्दी उठने की, जल्दी नहाने धोने की, खाना खाने की, और टीचर ने जैसे ही काम, क्लासेस ओवर हुई, उसके बाद काम को कंप्लीट करके टीचर को भेजने की, उनको लगेगा जैसे नोटबुक चेक होती है, आई हैव रिपोर्टेड। और बहुत जल्दी हम लोग फिर से मिलेंगे ना उसी तरह से, पुराने जैसे पुराना तरीका है पढ़ाने का, क्लासरूम में चॉक डस्टर के साथ, सेम वे वी विल टीच, और सेम वे आपके बच्चे भी सीखेंगे, सेम वे आप लोग भी आएंगे पीटीएम पर मिलने के लिए। क्योंकि एक बहुत अच्छा वो भी प्लेटफॉर्म होता है कि पीटीएम एवरी मंथ होना, कि हम आप लोग बहुत कुछ आपस में शेयर कर सकते हैं बच्चों की ग्रोथ को लेकर। उस पीरियड को एक पोज आया है, बहुत जल्दी वो भी ट्रैक पर आ जाएगा, है ना। तो अपना, हम लोगों ने सबका आपस का ध्यान रखना है। जब हम फैमिली मेम्बर्स हैं तो हमें एक दूसरे का भी ध्यान रखना है। तो पूरा सहयोग चाहेंगे आपसे, आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के इंस्टीट्यूट के लिए, और आपके बच्चे के टीचर्स के लिए। होप फॉर द बेस्ट कि आप लोग स्टडी पर पूरा, बच्चों पर सिर्फ नज़र रखेंगे, है बहुत मुश्किल है, घर का काम भी होता है और भी बहुत सी टेंशन्स बड़ी होती हैं घर की, बाहर की, रिलेटिव्स की, लेकिन बच्चे भी हैं, वही हमारा फ्यूचर है, और रियल सेंस में हमारी प्रॉपर्टी हमारे बच्चे हैं। प्रॉपर्टी कि ऐसा नहीं है कि सेल परचेज करने के लिए, हमारा रियल सेंस में जो हमारा फ्यूचर है ना, वो हमारे बच्चे हैं। जितना हम उन पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना हम उनकी हेल्थ पर अच्छा इन्वेस्ट करेंगे, जैसा जितना उनके हम एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे तरीके से अपना टाइम भी, अपनी मनी भी, अपनी एनर्जी भी, अपनी अटेंशन भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही बच्चा ग्रो करेगा और आने वाला फ्यूचर बच्चों का सिक्योर होगा। तो हम आप पेरेंट्स का तो बुढ़ापा वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत दूर भाग जाता है कि अरे भाई मेरे बच्चे सेटल हो गए, है ना। तो एक हेल्दी स्पिरिट के साथ सहयोग चाहेंगे आपसे कि आप बच्चों की ग्रोथ के लिए, ऑलराउंड ग्रोथ के लिए सहयोग करेंगे। हैव अ गुड डे, बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।